ऋग्वेदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे, ये पार्ट टू है वीडियो का, ये पार्ट टू है वीडियो का, इसको याद रखना हम लोग। पनागल कृषि कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का, उसका सीरीज दो है, ये सेकेंड वीडियो है जो वैदिक युग पढ़ रहे थे हम लोग, ऐतिहासिक काल का। तो अभी पहला है ऋग्वेदिक काल ही है, जिसको आपका पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। इसके उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ये वाला वीडियो होने के बाद। तो इसमें चलिए मैं बताता हूँ, इसमें आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, उसमें मैं बता रहा था जो गाय वो का जो गाय का जो मान्यता था उस टाइम में, गाय का बहुत इन लोग गाय को ना मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। गाय का मुद्रा के रूप में उस टाइम में इस्तेमाल होता था, इसको याद रखना। कृषि ना इन लोग शुरू में स्टार्ट नहीं किए थे, पहले पशुपालन था इन लोग का। इन लोग ना पहले ना पशुपालन करते थे ऋग्वेदिक काल में, बाद में फिर ना उसके जैसे जैसे आगे बढ़ते गया ना, तो फिर कृषि करना इन लोग प्रारंभ किए। पशु में क्या है, पशुपालन कर इसमें क्या हो रहा है, पशु अगर मतलब दे रहे हैं तो उनको भोजन वोजन के भी कुछ भी हो सकता है ना उसमें उन लोग को, या वस्तु ना भी मतलब पालन है तो उसमें भी उन लोग का फायदा था। और कृषि में क्या है, कृषि में भी वैसे ही था, लेकिन समय लगता था मतलब, लेकिन बाद में लोग सीखे कि उपज उपज उगाना चालू किए। इन्होंने इनकी उन इन लोग ज़्यादातर उस टाइमिंग में धान उनका उतना वैल्यू नहीं था, जौ इन लोग उगाते थे, जौ इसको यव बोलते थे उन लोग, जौ को क्या बोलते थे, यव के नाम से उनके द्वारा जाना जाता था, इसको याद रखना। समझ गए इसमें का, जौ को क्या बोला जाता था, यव बोला जाता था, इसको याद रखना आप लोग। अब इसमें बेसिकली देखिए बताता हूँ, जौ को यव बोला जाता था, जो कृषि उपज के लिए एक इन लोग ना कृषि उपज कोई भी होता था, एक अन्य शब्द भी इन लोग के द्वारा दिया प्रयोग किया जाता था कृषि उपज के लिए, धान मतलब कोई भी जैसे कृषि का उपज हो गया उसके लिए इन लोग प्रयोग करते थे धान्य। हम लोग धान नहीं, धान्य उपज के लिए धान्य का प्रयोग इन लोग के द्वारा किया जाता था। और जैसे वहाँ के और भी इन लोग व्यवसाय करते थे, ये तो सिर्फ दो चीज़ बताया, पशुपालन और कृषि का। तो जौ की खेती उन लोग ज़्यादातर करते थे उस टाइम में, जो ऋग्वेदिक काल के थे वहाँ के निवासी लोग। अन्य व्यवसाय भी करते, जैसे बढ़ई थे, बुनकर थे, जो बुनकर आपका कपड़ा बुनने का काम करते, रथ वाले काम करते जो रथ बनाते थे, जो पहिए हुए बनाते थे वो सब, चर्मकार थे जो जूते वूते संबंधित काम करते थे, चमड़ा उमड़ा का, कुम्हार थे जो आपका मटका उटका वो सब बनाते थे, इसको याद रखना। इनमें क्या था, बढ़ई प्रमुख था, बढ़ई प्रमुख था क्योंकि युद्ध का जो भी सामग्री का जो लोहार उहार उस टाइम नहीं था, बढ़ई ही क्या करता था, जो भी उसमें लोहा हुआ होता जो भी उस टाइम का था वो धातु उसमें ऐड करता था, जोड़ता था, उसको सामग्री बनाता, युद्ध का सामग्री बढ़ई बनाता था, इसको याद रखना। तो बढ़ई का बहुत महत्व था। और निष्क एक था, निष्क को बोला जाता सोने का आभूषण था, एक निष्क बोला जाता, ये मुद्रा थी एक निस्क नाम का, एक था उस टाइमिंग में फेमस था, नोट करके इसमें कर सकते हो। इसमें ये आपका ये मुद्रा थी, ये भी गोल्ड का था, सोना का था, मुद्रा था, ये चलता था। एक मन नाम का था, ये तौल की इकाई थी, तौल की क्या इकाई थी, इसमें याद रखना, तौलने की इकाई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और संपत्ति की जो गणना है इसमें, जो संपत्ति उम्पत्ति जो गणना उणना करते थे तो मवेशियों से करते थे, किसी व्यक्ति की मान लो संपत्ति, उसके रईस है कितना, रई है संपत्ति, रई रई बोला जाता था उनके द्वारा, तो कितना धनवान है उसके ना मवेशी को देख के जाना जाता था। अब मवेशियाँ जैसे कि अब इसमें देखो एक फायदे की चीज़ कैसे, मवेशी है तो उसका संपत्ति हो जाता था, लेकिन अभी जैसे इन लोग का अच्छा तरीका था कैसे, अभी जैसे मवेशी बढ़ना है ना, मवेशी बढ़ना है तो जैसे जैसे पैदा उदा लेंगे नया मवेशियाँ और बढ़ते जाएंगे, उतना धनवान होता जाए क्योंकि उसका बिक्री हो गया, उसका वैल्यू बढ़ रहा है उसका भाई,
ऑटोमेटिक उसका खेती रहे, पशुपालन मुख्यता था। जैसे जैसे पैदा होते जाते थे उनका धनोधन भी बढ़ता जाता था, उतने धनी व्यक्ति होते जाते थे। और कपास का उस टाइम में उल्लेख नहीं था, बल्कि कपास का लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में था उन लोग का, लेकिन यहाँ नहीं था ऋग्वेदिक काल में। यहाँ भी व्यापार जल और थल दोनों मार्ग से होता था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में होता जल और थल दोनों मार्ग से, वैसे ही इसमें भी क्या होता था, मतलब व्यापार होता था। बस गोधुली एक नाम था, समय की माप के लिए गोधुली एक शब्द था, समय को मापने के लिए एक गोधुली शब्द का प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा, तो याद रखना। और दूरी की माप के लिए गौ यतु दूरी की माप के लिए, इसका ये इसका है समय की माप के लिए, गोधुली समय की माप के लिए, गौ यतु दूरी की माप के लिए, इसको याद रखना। तो गाय को पवित्र माना जाता था, इसको याद रखना, इसको अधन्य माना जाता, गाय को अपवित्र माना जाता, पवित्र नहीं अपवित्र नहीं पवित्र माना जाता, उसे अधन्य माना जाता क्योंकि काफी महत्वपूर्ण था ना उन लोग के लिए। और राजा जो है, राजा जो बनता था ना, जो राजतंत्र टाइप का कुछ भी था, उसको मतलब भूमि का स्वामी नहीं था, जो वहाँ आसपास के जो भूमि थे उनका, ऐसा नहीं था कि सभी भूमि वो खरीद के बैठ लिया, वो सन कुछ नहीं था। तो उनमें ये था कि राजा का भूमि का स्वामी उन लोग को नहीं माना जाता था, उसी बस प्रशासन चलाता था और दान में उसको भेंट स्वरूप उसको पैसा उसे देते थे रक्षा उक्षा करने का। जूते हुए खेत वूते रहते थे, उसको उर्वरा कहा जाता था उस टाइम में, जो अभी वर्तमान में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उर्वरा शक्ति उसकी और जूते हुए खेत, लेकिन उर्वरा हम लोग उसके उपजाऊपन को बोलते हैं, लेकिन उर्वरा उन लोग जूते हुए खेत को, मतलब जो जुत चुका है खेत, हाँ वही भी है, लेकिन उर्वरा हम लोग उसकी वर्तमान में अभी कितनी क्षमता है उसको देखते थे, चेकते हैं। एक हल को उन लोग लांगल बोलते थे, हल को क्या लांगल, एक खनी लीमा एक जल था जो आप सिंचाई के लिए जो पानी निकालते हो ना खोद खाद के, उसको खनी लीमा बोला जाता था उस टाइम में, जहाँ जो खेत उठा मान लो, अब सिंचाई कहाँ से करोगे, तो कहीं से पानी तो लाओगे, उस टाइम में उतना डेवलपमेंट थोड़ी था कि आधुनिकता थी थोड़ी थी, तो जमीन का ही एक विचार था, पानी खोद कर मतलब वहां डालते थे। और सीता एक नाली थी, हल से बनी हुई एक नाली जिसको सीता हल बोल जाता था, सीता की नाली, कोई मतलब सीता और आदमी का नाम नहीं था, या भूमि उमि नहीं थी, सीता क्या था एक नाली था, वो हल से बनी हुई थी, ये भी कैसे। हल से बनी हुई नाली थी, इसको याद रखना ठीक है। पर्जन्य था बादल, खिल्ली नाम की एक थी, भूमि की माप की इकाई थी, भूमि माप की इकाई क्या नाम क्या था इसका, खिल्य नाम का था, इसको याद रखना। तो न्याय व्यवस्था कैसी थी इसको याद रखना, न्याय व्यवस्था कैसी थी इन लोग का, न्याय व्यवस्था थी धर्म पर आधारित था, धर्म पर आधारित होने के कारण इसको मतलब न्याय व्यवस्था कैसी थी, धर्म पर आधारित था। और पशुओं की चोरी जो है सर्वाधिक होती है उस टाइमिंग में, क्योंकि धन वही था पशु, तो पशु को ही पार करने लगे, ऐसा तो थोड़ी था कि उस टाइम में टैग लगा दे उसमें, भैया टैग उग लगा के उसमें चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो न्याय जो है धर्म पर आधारित था, और पशु की चोरी उस टाइम में बहुत होती थी, अधिकांश युद्ध जो गाय को लेकर ही होती थी, क्योंकि उनके पास अब धन के रूप में गाय लोग को देख रहे हो,
तो क्या चीज है? तो युद्ध तो धन के लिए होगा, तो गाय क्या था उस टाइम का? धन था। और युद्ध उस टाइम वही था गाय के लिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इसको याद रखना। और मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी उस टाइम में, न्याय व्यवस्था कैसी थी? यहाँ मृत्यु दंड नहीं था भाई, किसी को मृत्यु तो नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ना, और उसको उसका मतलब कोई दंड मिला है, तो अगर मान लो उसको जान की कीमत है, एक व्यक्ति की जान कीमत 100 गाय, एक व्यक्ति की जान कीमत थी 100 गाय, वो अगर उसके व्यक्ति की जान मतलब या उसको छुड़ाना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, तो 100 गाय जमा करेगा और उसको लेके जाएगा, ऐसा था, समझ गए? अब सामाजिक जीवन कैसा था? न्याय व्यवस्था तो समझ गए, सामाजिक जीवन इनका तो मैं इसको बता चुका हूँ, पितृसत्तात्मक थे इन लोग, और इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता था आपका, मातृसत्तात्मक था, परिवार इन लोग संयुक्त रूप से रहते थे। वर्ण व्यवस्था जो प्रमाण मिले हैं इसमें, जो आर्यों का, जो आर्यों का वर्ण था और कृष्ण वर्ण था दासों को, जो आर्यों को ना गौर वर्ण में बांटा गया था, देखिए जो वर्ण व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, इसमें वर्ण व्यवस्था था इन लोग का। आर्यों का था इसमें गौर वर्ण, आर्यों का क्या था? गौर वर्ण, ठीक है, इसको याद रखना। दासों का था कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण इन लोग को कहा जाता था, इसको याद रखना। आर्यों का गौर वर्ण था, कृष्ण वर्ण का आपका दासों का था, ये आप इसको याद रखना। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था, इसको याद रखना, क्योंकि कर्म से मतलब व्यवस्था का जो कर्म था वर्ण व्यवस्था द्वारा था। अब दसवें मंडल से पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख भी मिलता है, इसको याद रखना। जो दसवां मंडल था पुरुष सूक्त में, चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है इसमें, जैसे कि दसवां मंडल है ना पुरुष सूक्त, दसवें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है, इसको याद रखना। अब चतुर्वर्ण का किसका बताया? ना ही उसमें वो है, शूद्रों का वर्णन उसमें। देखो तो उनको मैं 3 वर्ण भी बता चुका हूँ इसमें, कौन कौन सा वर्ण बताऊँ इसमें? देखो चलो बताता हूँ इसमें, पहला जो दो जो पुरुष सूक्त को बताया, पुरुष सूक्त है इसमें दिया है चतुर्वर्णों में, इतना चतुर्वर्णों में इसमें उल्लेख किया गया है। और जो कृष्ण कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण में इसमें दिया गया, इसमें आपका जो दासों को दिया गया है, दासों को क्या है सम्मिलित किया गया है। गौर वर्ण में आर्य को दिया गया, तो 3 वर्ण, 1 2 3। चतुर्वर्ण में पुरुष युक्त, इसमें शूद्रों का वर्णन है, इसमें पुरुष सूक्त में शूद्रों का इसमें वर्णन किया गया, इसको याद रखना। दासों का आपका कृष्ण वर्ण में, आर्य का गौर वर्ण में, इसको आप बखूबी याद रखिए, इसको समझ गए। और जो ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति याद रखना आप, परम पुरुष ब्रह्मा से हुई है, परम पुरुष क्या? ब्रह्मा से हुई है, इसको याद रखना, ब्रह्मा के मुख से।
ब्राह्मण उत्पत्ति जो परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई माने जाता है, मुख से, इसको याद रखना। ब्राह्मण की उत्पत्ति क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें का उसके मुख से हुई, इसको याद रखना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक हो चुकी थी, मतलब शुरुआत हो चुकी थी। जैसे छतरी है आपका बुझाओं से, वैसे आप जो जाने जाते जांगों से, शूद्र है आपका पैरों से। तो इसकी मुख से बता रहा हूँ, ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति उस टाइमिंग में, वो इनको मुख से, मतलब इन लोग प्रवचन दे देते थे, ज़्यादातर ज्ञान बांटते थे मुख से, तो सब क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। छतरी देखिए, छतरी को बताता हूँ इसमें, छतरी भुजाओं से आपका, भुजाओं से होते थे क्या छतरी, वैसे से होते थे जांघों से, जो वैसे जो होते थे वो जांघों से, जो व्यापार उपार करते थे वो सब जांघों से उनका जाना जाता था, वो शूद्र थे पैरों से। शूद्र की कहाँ से अपना इनको जाना जाता था, पैर से, अपने पैर के मतलब वहां से मतलब जाना जाता, जो सेवा हुआ भाव देते थे शूद्र थे उस टाइम, वैसे जांघों से, क्षत्रिय भुजाओं से, ब्राह्मण मुख से, इनकी उत्पत्ति, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, इसको माना जाता है। ऋग्वेद में ना अनार्यों को, जो आर्य नहीं थे, आर्यों को छोड़कर अनार्यों को क्या कहा जाता था, अव्रत बोला जाता था, अनाथ बोला जाता था। अनार्यों को इन लोग क्या बोलते थे, अव्रत, अनास, अव्रत, अनास, विद्रवाच, मद्रवाच, अव्रत, अनास, मद्रवाच, अनार्यों को बोला जाता, इसको याद रखना। सतपथ ब्राह्मण में क्या किया, पत्नी को पति की अर्धांगिनी के कहा गया, सतपथ ब्राह्मण में एक ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण भी एक क्या है, साहित्य है। तो पत्नी को क्या किया है, अर्धांगिनी बोला गया है, इसको याद रखना, अर्धांगिनी बोला गया इसमें, इसमें देखना इसमें आपको, ठीक है इसको। चलिए आगे बताता हूँ, बाकी का सभी मुझबानी होगा, ज़्यादा मैं इसमें लिख नहीं पाऊँगा हर चीज़ को, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ डिटेल में। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया, इसको याद रखना। और एक जायद, जायद स्तंभ है, क्या है, जायद स्तंभ है, जायद स्तंभ, ये क्या है, इसमें मतलब पत्नी को ही गृह माना गया, पत्नी को इसमें गृह माना गया, जायद स्तंभ, इसको याद रखना। इस टाइम में स्त्रियों को ना उतना ठीक ठाक महत्व दिया जाता था, सम्मान पूर्वक थे, पति के साथ यज्ञों के में भी बैठने के लिए मतलब उनको परमिशन दिया जाता था, और लड़कियों का भी उपनयन उस टाइप के संस्कार उनस्कार उनको होता था, पूजा पर थोड़ा उनका वैल्यू मतलब था, ऐसा नहीं था कि पूरी समाप्त हो गया, नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, बाल विवाह तो था ही नहीं, जैसा कि उसमें भी आपका आपका क्या नाम था उसका, सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें बाल विवाह नहीं था, वो बहु विवाह उस सब प्रचलित था, बहुपति विवाह इसमें प्रचलित था। अच्छा, बहु विवाह मतलब प्रचलन नहीं था इसमें, सॉरी, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कई बार किसी किसी में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, मेरे ख्याल से इसमें ना इसमें था थोड़ा बहुत जो प्रथाएं चल रही थी, ऐसा नहीं था मतलब बहुपति विवाह उसका अस्तित्व में था उस टाइम में, लेकिन जब इनमें बदलाव हुआ है तो उसमें जब वर्ण व्यवस्था उस टाइमिंग में बहु विवाह मतलब प्रचलन में थोड़ा बंद हो गया था, इसको आप लोग याद रखना। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं, सती प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों का प्रचलन नहीं था।
सती प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों के क्या प्रचलन नहीं था उस टाइम में। ठीक है, इसको याद रखना। पर्दा मतलब नहीं थे स्त्री लोग, और इसमें सती का मतलब क्या उस टाइम, सती प्रथा जो अग्नि कुंड में, वो सब कुछ नहीं था उस। और विधवा विवाह था इसमें, पुनर्विवाह का अस्तित्व था, है ना। विधवा का भी विवाह हो सकता था, और जो विवाह भी था अंतर जाति था, अपने जात में मतलब विवाह करना था, वो भी अस्तित्व में था। और विवाह की उम्र लगभग थी 16 से 17 के आसपास, 16 के 17 के आसपास व्यक्तियों की विवाह हुआ हो जाता था। एक अमाजू नाम की लड़की, मतलब अमाजू बोला जाता है, जिनकी विवाह ना जो काफी समय हो गया, जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, मतलब कोई लड़की, उसको अमाजू बोलते थे उस टाइम में। और स्त्रियों की जो अयोग्यता को आप कैसे देखते, जो राजनीति में भाग लेने का अधिकार उन लोग को क्या, मतलब स्त्रियों को ना राजनीति में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और संपत्ति संबंधी अधिकार भी उन लोग को नहीं दिया जाता था। इसको याद रखना, संपत्ति का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, और राजनीति में उन लोग को प्रवेश भी मतलब नहीं दिया जाता था। इसको याद रखना। अब ये था सामाजिक जीवन के बारे में था, है ना। अब धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, धार्मिक जीवन कैसा था उन लोग का। वो उसके पहले बताया था मैं, वो प्रथाएं बताया हूँ, प्रथा मतलब अलग है जो उनमें चल रही थी। अभी जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि जीवन उसमें उन लोग को वाकई में कैसा चल कैसा रहा था। आर्थिक जीवन तो हो चुका है, तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत में न्याय व्यवस्था कैसी थी बता दिया, सामाजिक जीवन के अंतर्गत ये बता दिया। अब धार्मिक जीवन उनका कैसा था इसमें बता देता हूँ। तो इन लोग भी प्रकृति के उपासक थे, और पुरुष देवता की प्रधानता थी, क्योंकि पुरुष को ही मतलब इन लोग प्रमुख मानते थे। बहुदेववादी मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक थे। क्या बोला, बहुदेववादी। तो मुख्य देव थे उस टाइमिंग में, ऋग्वेद में मुख्य देव कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को बहुत बड़ा देव मतलब 250 बार इसको वर्णन किया गया, 250 बार लिखा गया इंद्र का नाम। ठीक है, युद्ध में आर्यों का नेतृत्व कौन करता था, इंद्र करता था। अब इंद्र कौन है, वो पानी उन्हीं गिराता है, वही इंद्र है। जो बिजली उजली को चमकता उमकता है, सब वही इंद्र है। तो ऋग्वेद में लिखा 250 बार इसमें शब्द का उल्लेख किया गया, इसको याद रखना। आर्यों का नेतृत्व ये इन्हीं के द्वारा, आर्यों का नेतृत्व इनके द्वारा होता था। और वर्षा का देवता भी यही है। क्या है, वर्षा का देवता भी कौन है आपका, इंद्र है। जब हर चीज में है, कण कण में, छोटे से चीज में दुनिया भर का चीज है। जैसे कि आप देखोगे पौधा उग रहा है ना, पौधा उग रहा है, वो बीज से सोचो पौधा उग जा रहा है ना, एक छोटे से चीज से पूरा पौधा निकल रहा है। तब उसमें पावर है, तो बाकी चीज में भी पावर होगा, तो उसी से रिलेटेड है। अब द्वितीय, जैसे कि देखोगे अग्नि के बारे में, अब अग्नि का लगभग 200 बार उसमें उल्लेख है उस बुक में। तो मनुष्य और देवता के मध्य का कार्य करती है, मनुष्य और देवता के मध्य संबंध बना के रखता है कौन आपका, अग्नि, संबंध दोनों के बीच में, इसको याद रखना। एक थे वरुण देवता, तो ये थे रितस्य गोपा। कौन थे, रितस्य गोपा नाम था, अर्थात ऋतु। वरुण का जो तृतीय नंबर में था वरुण, ये पहला, तीसरा।
तो देव कौन थे? इंद्र, ठीक। अग्नि कितने? 200 बार। वरुण आपका रीता से कोपा अर्थात ऋतु, इसको याद रखना। तो ऋतु का संरक्षक और जल निधि का देवता माना गया, ऋतु का संरक्षक। जल निधि का देवता माना गया। ठीक है, इसको याद रखना, ऋतु का संरक्षक और जल निधि का देवता इसको माना गया, इसको याद रखना। रीता से गोपा जिसको बोला जाता है। आकाश पृथ्वी और सूर्य का निर्माता इसको बोला जा रहा है। आकाश पृथ्वी है ना, वरुण देवता को क्या बोला है? ऋतु का संरक्षक, जो ऋतु मौसम को संभालता है, और जल निधि का देवता है ना, उसको माना गया है कि इसको वरुण को, ऋतु जो लाता है उसको वरुण बोलते हैं, उसका मतलब देवता। वरुण देवता को ही जो आकाश पृथ्वी और सूर्य का निर्माता बोला जाता है। आकाश पृथ्वी और सूर्य तीनों का देवता कौन है? वरुण देवता, जो सबसे बड़े देवता, और सातवां मंडल इसी को समर्पित है। सातवां मंडल क्या है? इसको समर्पित है, जो आपका समर्पित किसके लिए है? वरुण देवता के लिए। किसके? वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का मतलब सातवां मंडल, 10 मंडलों में से सातवां मंडल। और सोम देवता है, सोम क्या है? वनस्पति के देवता। सोम क्या है? वनस्पति के देवता। वनस्पति के देवता सोम नाम है। और आकाश, आकाश को याद रखना, जो देवों में सबसे प्राचीन, दयो जिसको बोला जाता है, दयो उस टाइम में दयो बोला जाता आकाश के। तो देवों में सबसे प्राचीन देवता कौन? जो आकाश को बोला जाता है। सोम वनस्पति, जो हमारे यहाँ वनस्पति उगता है, पेड़ पौधे को उसको। और तूफानों का देवता को मरुत, तूफानों के देवता को, देवता को क्या बोला जाता है? मरुत बोला जाता था, इसको याद रखना। वरुण को असुर भी बोला जाता था, ये वरुण देवता को असुर भी कहा जा गया है ये। और ना वरुण देवता जो है, जो ईरान के जो अहुर मजदा से समानता रखता है, ईरान का एक अहुर मजदा नाम का था, वहां का कुछ था, ईश्वर था या कुछ भी, तो इन दोनों का समानता रखता है, इसको याद रखना। अब देवताओं के संबंधित इसमें वर्गीकरण दिया है, देवताओं का बता देता हूँ। देवताओं का वर्गीकरण इनका अभी तो बता रहा था, जिसमें क्या क्या मतलब किनका किनका देवता है, उनके बारे में कितना बार बार वर्णन किया गया, इसमें देखता हूँ, इसमें बताता हूँ। तो इसमें देखिए, इंद्र को बोला है 250 बार, अग्नि को बोला है 200 बार वर्णन, और वरुण का उसमें उल्लेख किया गया है सातवें मंडल में। बाकी सोम में ये अलग है, आकाश का सबसे प्राचीन, मरु तूफानों का देवता। तो इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, तो इसमें क्या है? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी अग्नि सोम, सोम और नदियां। पृथ्वी अग्नि सोम और नदियां, इसमें सब मिलते। पृथ्वी पृथ्वी के देवता कौन? तो पहला तो पृथ्वी खुद, दूसरा अग्नि, तीसरा सोम, और चौथा नदियां, इसको याद रखना। अग्नि आग,
पृथ्वी, पृथ्वी से रिलेटेड ऐसा लग रहा है, इसका एक और वीडियो बनेगा, दो वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। चलो अब बताऊंगा इसमें, अंतरिक्ष के देवता बता देता हूँ, यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। तो बताना जरूरी है ना मेरे को, अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, वायु और मरुत। तीन देवता है, वायु एक देवता है, इंद्र देवता है, मरुत तूफानों के देवता है, इसको याद रखना। आकाश के देवता, देखो अंतरिक्ष अलग चीज है, अंतरिक्ष वो ऊपर ज्यादा दूर में, अंतरिक्ष जो तारे उरे के आसपास अंतरिक्ष। और आकाश के देवता है विष्णु, सूर्य, सविता, विष्णु, विष्णु, सूर्य, सविता, इसमें याद रखना, देखना इसमें। आकाश के देवता कौन है आपका? विष्णु, सूर्य, सविता। विष्णु, सूर्य, सविता, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मूल्यवान धन देखिए, तो मूल्यवान उस टाइम में कौन था? गाय। अब इसी के लिए युद्ध लड़ते थे उस टाइमिंग में। तो पुरोहितों को जो है, पुरोहितों, तो पुरोहितों का क्या, गाय जो दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी, इसको याद रखना, पुरोहितों के गाय। जो दक्षिणा स्वरूप क्या दिए, स्वरूप दी जाती थी, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग।